Assalamu alaikum. How are you guys? Today in this video we will discuss about emulsion tube with the help of engineering concepts like thermodynamics and fluid mechanics. Before I am going to start this video, I want to show you a real model of emulsion tube. This is a carburetor, or this is one is intake manifold. Carburetor ko aapko open karna hoga, aur agar aap ye part jo hai wo dekh rahe hain, तो ये पार्ट कहलाता है इमल्जन ट्यूब। इस पार्ट को जो है वो डिसअसेंबल कर लिया। ये पार्ट जिस पार्ट कार्बोरेटर के पार्ट के साथ कंबाइन था उसे कहते हैं इमल्जन ट्यूब वेल, सही है। और ये है इमल्जन ट्यूब। इमल्जन ट्यूब को मैं आपको शो करने से पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा। आपके व्हीकल में जो एयर आ रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पहले आपके एयर फिल्टर से पास होती है ताकि आपके डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो जाएँ, सही है। देन वो कार्बोरेटर के से जो है वो इन होगी। तो कार्बोरेटर से कैसे इन होगी, ये होल्स अगर आप देख रहे हैं, ये होल्स, ये दो होल्स यहाँ पे बने हुए हैं। अगर ये दो होल्स आप देख रहे हैं तो इनसे जो है वो आपकी एयर इन होगी, देन वेंचुरी के पार्ट में आएगी, और सारा गेम वेंचुरी के पार्ट में है। तो आप आपकी जो है वो इमल्जन ट्यूब के बारे में बात करते हैं। इमल्जन ट्यूब में अगर आप देखें तो बहुत सारे होल्स हैं आपको फ्रंट व्यू में, लेफ्ट व्यू में, राइट व्यू में और बैक व्यू में आपको बहुत सारे मल्टीपल होल्स जो हैं वो देखेंगे। एक होल जो है वो टॉप व्यू में, टॉप जो है वो साइड पे जो कि आउटलेट दिया हुआ है आपके फ्यूल के लिए, और एक डाउनवर्ड जो है वो आपको होल दिया हुआ है ताकि आपका फ्यूल जो है वो इन हो सके। इसे नोजल कहूँगा, इस बॉटम पार्ट को, सही है। जो है क्यों कहूँगा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। इमल्जन ट्यूब को एक दफ़ा और आप देख लें, इसमें मल्टीपल होल्स हैं, इनका रीज़न क्या है ये आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि आपने देखा कि इस पार्ट का नाम है इमल्जन ट्यूब, तो क्यों है इस पार्ट का नाम इमल्जन ट्यूब, इसी से स्टार्ट लेंगे। और इसी इसकी डेफिनेशन, इसके नेम में ही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो आप स्टडी करें। यू कैन रीड दिस डेफिनेशन ईजिली। तो मैं आपको ये डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमल्जन का वर्ड आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, इमल्जन का वर्ड आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि आपको एक ऐसा यूनिफॉर्म मिक्सचर जो है वो ऑप्टेन हो बाय मिक्सिंग विद टू अनमिक्सेबल फ्लूड्स। ऐसे दो फ्लूड्स जो इजीली मिक्स नहीं हो सकते, उनको मिक्स करना और उनका नेट यूनिफॉर्म मिक्सचर आपको प्रोवाइड करना। तो आए डेफिनेशन रीड करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ कोलाइड फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू लिक्विड्स यानी फ्लूड्स दैट नॉर्मली डोंट मिक्स। नॉर्मल कंडीशन में वो मिक्स नहीं हो सकते, उनको मिक्स करना है और उनका यूनिफॉर्म मिक्सचर प्रोवाइड करना है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है कोलाइड, इसको समझते हैं। कोलाइड बेसिकली आपके 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 पास जो कार्बोरेटर में दो फ्लूइड यूज हो रहे हैं, एक एयर और आपका एक फ्यूल, फ्यूल यानी पेट्रोल। तो इन दोनों फ्लूइड के छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी पार्टिकल्स को मिक्स करना और एक दूसरे के साथ जो है बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन करना, मिक्सिंग करना, ये कहलाता है कोलाइड। मिक्सचर ऑफ, कंबाइनिंग ऑफ और एटोमाइजेशन ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वन फ्लूइड इन एयर एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनदर फ्लूइड फ्यूल। इन्हें कंबाइन क्यों किया जा रहा है, इसका रीजन भी आपको बता देता हूँ। देखें कोलाइड कहता है कि कोलाइड की जो डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन कर रही है कि आपके जो फ्यूल के जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स करना। जब ये दोनों बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी, आपको एटोमाइजेशन अच्छी मिल जाएगी, यूनिफॉर्म मिक्सचर मिलेगा, और देन वो इनलेट वाल्व के थ्रू आपके इंजन सिलेंडर में इन होंगे, फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर, और आपको एक स्मूथ कंबशन मिलेगी और आप कह सकते हैं कि आपको आपका इंजन भी एफिशिएंट होगा। तो इसी वजह से एयर फ्यूल मिक्सचर की मिक्सिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी मिक्सिंग आपके इंजन की एफिशिएंसी पर जो है वो डिपेंड करती है। अगर आपका एयर फ्यूल मिक्सचर इतना ज़्यादा जो है वो मिक्सिंग नहीं है तो आपका इंजन इतना ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि स्मूथ कंबशन नहीं हो पाएगी। तो हमें इंजन को एफिशिएंट बनाने के लिए इनकी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एयर फ्यूल मिक्सचर की, एयर की और फ्यूल की। तो अब बात करते हैं कि ये होल्स जो है वो इमल्जन ट्यूब में क्यों दिए गए हैं। देखें होल्स पर जो है वो आने से पहले मैं आपको एक और जो है वो टॉपिक का ओवरव्यू दूं। उस टॉपिक से रिलेटेड मैं कम ही बात करूंगा,
ताकि ये टॉपिक हम कवर कर सकें। आप जब अपनी बाइक को, बाइक की एग्जांपल लें, अगर आप जब आप अपनी बाइक को ऑसिलेट करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उस वक्त आपको कितनी क्वांटिटी ऑफ एयर और कितनी क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड है, और इन नॉर्मल कंडीशंस जब आप कम एक्सीलरेट कर रहे हैं तो उस वक्त आपको कितना एयर फ्यूल मिक्सचर रिक्वायर्ड है। तो इसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कंट्रोल जो है वो डिपेंड करता है आपके इंजन की एफिशिएंसी पर। इसी कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए हमने ये इमल्जन ट्यूब का पार्ट यूज़ किया है कार्बोरेटर में। जैसा कि मैंने पहले ये बताया कि आपकी एयर इन होती है फिल्टर से ताकि डस्ट पार्टिकल्स रिमूव होते हैं, देन कार्बोरेटर के जो दो होल्स मैंने आपको शो किए वहाँ से इन होगी, देन वेंचोरी के अंदर आएगी। अब आप समझें कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट कर रहे हैं अपनी बाइक को तो उस वक्त क्या होगा, आपकी एक्सीलेटर के साथ एक वायर लगी हुई है और डायफ्रेगम अटैच है, उसके साथ थ्रोटल स्लाइडर अटैच है। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सीलेट करोगे तो वो क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। जैसे ही उसने अपवर्ड मूव किया, आपको एक स्पेस अवेलेबल होगी जहाँ से एयर जो है वो पास हो सके, और उसे कहेंगे वेंचोरी। तो जितनी क्वांटिटी ऑफ एयर, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ एयर वहाँ से पास होगी, आपको उस वक्त एयर की जो है वो वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी ड्यू टू वेंचोरी। वेंचोरी का पर्पज़ यह है कि आप जब वहाँ से फ्लूड पास हो तो उसके प्रेशर को डिक्रीज कर दे और वेलोसिटी को इनक्रीज कर दे। तो अब आपको अवेलेबल स्पेस ज़्यादा है आपके पास, और वहाँ से एयर जो है वो पास हुई तो एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हुई और प्रेशर ड्रॉप हो गया, और उस वक्त आपका फ्यूल जो है वो यहाँ से राइज कर जाएगा और एयर के साथ मिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर की उस वक्त वेलोसिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और ड्यू टू सक्शन उस वक्त सक्शन क्रिएट होगी, क्योंकि वेंचोरी से जब एयर आपकी पास हुई तो प्रेशर रिड्यूस हो गया, और जब प्रेशर इतना ज़्यादा रिड्यूस हुआ कि आपकी ऑटोमेटिकली सक्शन क्रिएट हुई और फ्यूल ने यहाँ से, यहाँ फ्यूल है, आप सपोज करें यहाँ फ्यूल है, तो फ्यूल ने राइज जो है वो करना स्टार्ट कर दिया, और राइज करेगा तो एट द इस पार्ट पे आपके पास एयर अवेलेबल है और एयर के साथ मिक्सिंग हो जाएगी उसकी। अब आप इसी चीज़ को समझें कि अब आप कम एक्सीलरेट कर रहे हैं, यानी अब आपके पास अवेलेबल स्पेस जो है वो कम है जहाँ से एयर पास हो सके, तो क्वांटिटी ऑफ एयर भी कम होगी। अब क्वांटिटी ऑफ एयर की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज तो हुई है, लेकिन अब वो कम क्वांटिटी ऑफ एयर जो है वो क्या करेगी, इमल्जन ट्यूब के अंदर इन हो जाएगी और इन होल्स को कवर कर देगी, आपके फ्लो को डिस्टर्ब करेगी। आप इस तरह से समझ लें, ये है इमल्जन ट्यूब, इस पार्ट को इग्नोर कर दें, ये है इमल्जन ट्यूब। आप इस पार्ट से जो है वो एयर इन हो रही है, ये वेंचोरी है, क्वांटिटी ऑफ एयर इस वक्त कम इन हुई है आपके पार्ट में, और वो क्या करेगी, यहाँ पर जो मल्टीपल होल्स हैं उन्हें ट्रैप कर देगी, सही है, उन्हें कवर कर देगी। तो आपका जो फ्यूल है जो राइज कर रहा है यहाँ से राइज करेगा, ये देख रहे हैं आप, ये होल यहाँ से जो है एयर आपका फ्यूल राइज करेगा इस पार्ट से। देखें राइज क्यों करेगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जब यहाँ पर वेंचोरी लगी हुई है आपका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, और इतना रिड्यूस होगा कि आपकी सक्शन क्रिएट हो जाए। और सेकेंड रीज़न ये है कि जब आपका इंजन जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है ड्यूरिंग इनटेक स्ट्रोक, तो आपकी वहाँ पर भी सक्शन क्रिएट होती है, और वो उसका एडवांटेज भी आपको यहाँ पर होता है, आपका एयर आपको यहाँ पर जो है वो प्रेशर ड्रॉप की वजह से आपका फ्यूल राइज कर देता है इस डायरेक्शन में, तो आपकी जो एयर है वो होल्स को कवर कर देगी। जब वो होल्स को कवर कर देगी तो आपका फ्यूल जो है वो स्टॉप हो जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल आपकी स्टॉप हो जाएगी, और आपकी जो अमाउंट ऑफ फ्यूल है वो कम जो है वो इस होल से पास होगी। जब वो कम पास होगी और एयर के साथ मिक्स होगी तो आपको एयर की क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, फ्यूल की क्वांटिटी कम मिलेगी। तो आपने एक्सीलेटर भी कम दिया हुआ है, एयर की क्वांटिटी फ्यूल के मुकाबले में ज़्यादा है और फ्यूल की क्वांटिटी कम है, तो आपको नॉर्मल एयर फ्यूल मिक्सर मिला। लेकिन जब आप एक्सीलेटर ज़्यादा दे रहे थे तो क्या हुआ कि आपकी सारी की सारी जो एयर वेंचोरी से पास हुई थी वो अवेलेबल स्पेस ज़्यादा थी, जिसकी वजह से डायरेक्ट वो पास हो जाएगी और आपका एयर फ्यूल मिक्सचर जो है मैक्सिमम यहाँ से जो है वो राइज करेगा ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप, और आपके होल्स जो है वो अनकवर होंगे इस वक्त, क्योंकि ड्यू टू अवेलेबल स्पेस ऑफ द वेंचोरी। तो इस वक्त आपको फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा मिल गई एज कम्पेयर टू एयर क्वांटिटी, सही है, तो आपके पास जो है वो
एक कंट्रोल आपके आपने इमर्जन ट्यूब के थ्रू आपने कंट्रोल कर लिया एयर फिल्म मिक्सर को। देखें प्रेशर आपका फ्यूल राइज किस तरह से कर रहा है, इस चीज को भी समझ लें। इसके दो रीजंस हैं, जब आपका इंजन डाउनवर्ड मूव करता है ड्यूरिंग दी इनटेक स्ट्रोक तो आपकी वहां से सक्शन क्रिएट होती है, उसका बेनिफिट यहां पर होता है। सेकंड, ये वेंचुरी यहां पर लगी हुई है इमर्जन ट्यूब के ऊपर, इसका मेन रीजन ही ये है कि जब आपकी एयर यहां से पास हो तो वहां पर सक्शन क्रिएट हो जाए, वहां इतना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप हो जाए कि आपका फ्यूल ऑटोमेटिकली राइज करना स्टार्ट कर दे। ऑटोमेटिकली जब वो राइज करेगा तो इस पार्ट के साथ यहाँ पर एयर होगी और एयर के साथ उसकी मिक्सिंग हो जाएगी और आपको एक एफिशिएंट मिक्सिंग ऑप्टेन होगी, एक यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑप्टेन होगी। अब जो है वो हम फ्लो की बात करेंगे कि फ्लो किस टाइप का है, देन हम बात करेंगे कि इस पर थर्मोडायनेमिक्स की कौन कौन सी इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, आइदर ओपन सिस्टम की इक्वेशन अप्लाई होंगी, क्लोज सिस्टम की इक्वेशन अप्लाई होंगी और किन किन सिस्टम की और कौन कौन सी इक्वेशन अप्लाई की जाएंगी इन पे। तो पहले फ्लो की बात करते हैं। अगर आप अगेन इन दोनों पार्ट्स को आपने देखना होगा, ये वो पार्ट है जो नीचे लगा हुआ है, अगेन मैं आपको शो कर दूँ, ये अगर आप देख लें ये इसके साथ असेंबल हुआ है इस वक्त, तो ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट सही है, इसकी डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश की। और ये अपवर्ड यानी ये इमर्जन ट्यूब, देखिए नीचे वाले पार्ट को नोजल कहेंगे, पार्ट है उसे इमर्जन ट्यूब कहते हैं, जो कि ये है, इसकी हाइट आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा छोटी है, ये मैंने बड़ी डायग्राम से इसी वजह से बनाई है ताकि आप इजीली देख सकें। तो देखें सबसे पहले होगा क्या, ये आपका ये पार्ट है, यहाँ से ये इनलेट दिया हुआ है जहाँ से जो है वो इस तरह से पास होगी, जब प्रेशर ड्रॉप होगा तो आपका फ्यूल राइज करेगा ना, तो फ्यूल यहाँ से जो है वो पास होगा। और अगर आप इसके इस पार्ट के आउटलेट की बात करें तो आउटलेट डाया बहुत ज़्यादा छोटा दिया हुआ है, और आउटलेट डाया और इनलेट डाया इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, वो इस वजह से कि इसे नोजल क्यों कहा है ये भी समझ लें। देखें डिफरेंस इस वजह से है कि जब आपका फ्यूल यहाँ से राइज होगा, हाइट ऑप्टेन कर रहे हैं, तो जब वो आउट करेगा इस पार्ट को लीव करेगा, यहाँ से लीव करेगा, तो इस ये आउटलेट एरिया बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उस वक्त आपको वेलोसिटी ज़्यादा मिल जाएगी आपके फ्यूल की। जब आप नॉर्मल जब आप देखें कि क्वांटिटी ऑफ एयर या क्वांटिटी ऑफ फ्यूल कहीं से पास हो रही है, तो अगर आप उसके फ्लो को डिस्टर्ब कर दें, उसका जो इन आउटलेट पार्ट है उसके एरिया को रिड्यूस कर दें, तो आपको वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगी, आपका फ्लो की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो यही काम किया गया यहाँ पर जो कि नोजल में किया जाता है, तो इसी वजह से हमने इसे नोजल कहा कि इनलेट डाया काफ़ी बड़ा है आउटलेट डाया के मुकाबले में, और जब आउट होगा फ्यूल आपका यहाँ से तो एक हाई वेलोसिटी के साथ ऑप्टेन आपको जो है हाई वेलोसिटी मिलेगी, देन वो इमर्जन ट्यूब के अंदर हो जाएगा, इमर्जन ट्यूब के जो है वो इनलेट डाया में इन होगा। अब यहाँ पर जो है वो फ्यूल आ चुका है और उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है, देन यहाँ से पास होगा और कुछ फ्यूल जो है वो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल ड्यूरिंग अनकवरिंग कंडीशंस आपका होल से पास हो जाएगा, ये वाले होल्स, और यहाँ से कुछ पास होगा। अब अगेन देखें आपको डाया जो है वो कम मिल जाएगा यहाँ पर, या आप रेड वाला जो है वो अगर आप सर्कल देखें तो ये मैंने डाया जो है वो बनाने की कोशिश की है, सर्किल बनाने की कोशिश की है, जो कि ये है ये आप देख रहे हैं, तो अगर यहाँ से जब पास होगा तो यहाँ पर भी आपको वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी उस फ्यूल की, क्योंकि ये D3 जो है वो काफ़ी ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू D4, तो आपका आउटलेट डाया जो है वो डिक्रीज़ किया, आपके फ्लो को डिस्टर्ब किया है, तो आपका फ्लो की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, सही है, क्योंकि यहाँ पर एरिया जो है वो ये सर्कल का डायामीटर जहाँ से आपका फ्यूल आउट कर रहा है, आपको आपके पार्ट को लीव कर रहा है, उसका एरिया रिड्यूस कर दिया आपने, तो आप ऑटोमेटिकली आपके जो है फ्लो की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब आप इस पार्ट को समझें, ये D1
आपकी ये नोजल का डाया, इनलेट डाया, ये D2 ये रहा, नोजल का आउटलेट डाया ये D3, इमल्जन ट्यूब का इनलेट डाया, इमल्जन ट्यूब का आउटलेट डाया D4। यहाँ से जो फ्यूल है आपका मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल वो इन कर रहे हैं। तो इसकी स्ट्रीम लाइंस मैंने आपको शो कर दी हैं, इस तरीके से कुछ जो है वो स्ट्रीम लाइंस आपको दिखेंगी, इमेजिनरी लाइंस है मैंने ड्रॉ किया है। तो आपको फ्लो जो है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। फ्लो दो तरह के होते हैं, एक लेमिनार फ्लो है, एक टर्बुलेंट फ्लो है। लेमिनार फ्लो के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रीम लाइंस पैरेलल होती हैं, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। तो आपका फ्यूल जब नोजल के थ्रू इन हुआ ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप, तो आपका फ्लो, आप अगर स्ट्रीम लाइंस को देखें तो ये बड़ी पैरेलल है एक दूसरे के, सही है। तो इस वक्त यहाँ पर इस पार्ट की अगर मैं बात करूँ, इस पार्ट की बात करूँ तो ये वाले पार्ट की, तो यहाँ आपको लेमिनार फ्लो मिलेगा, मैक्सिमम फ्लो जो है वो आपका लेमिनार होगा। जैसे जैसे आपका फ्यूल हाइट अटेन करेगा, राइज करेगा, आपकी नोजल को लीव करेगा आपका फ्यूल, तो आपको क्योंकि नोजल को लीव किया यानी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, अब आपका फ्लो डिस्टर्ब हो गया और आपका फ्लो जो है वो कम्प्लीटली तौर पर डिस्टर्ब हो चुका है और अब इमल्जन ट्यूब के थ्रू जो है वो इन हो गया। तो आपको आपको फ्लो कुछ इस तरह से मिलेगा, कुछ स्ट्रीम लाइन जो है वो ये होल से पास हो रही, ये होल से पास हो रही, ये वाली होल से पास हो रही, फ्यूल जो है वो आपका होल से पास हो रहा है, ये भी होल से पास हो रहा है। तो आपका फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो गया ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द फ्यूल और डिक्रीज इन डाया ऑफ द आउटलेट पार्ट। तो आपका फ्लो जो है वो लेमिनार से कन्वर्ट हुआ और टर्बुलेंट में शिफ्ट हो गया। तो अब आपको जो फ्लो मिलेगा उसकी जो स्ट्रीम लाइन है वो पैरेलल नहीं होगी, आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी और टर्बुलेंट फ्लो ही हमें चाहिए। इसका रीजन भी बताता हूँ, जब आपको फ्लो टर्बुलेंट मिलेगा, आपका फ्लो टर्बुलेंट होगा जब आपकी इमल्जन ट्यूब को लीव करेगा, तो इमल्जन ट्यूब को जब लीव करने के बाद आपका फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है कंप्लीटली तौर पर, 90-80% आपका 80-90% आपका फ्लो जो है वो आपको टर्बुलेंट मिलेगा। तो टर्बुलेंट फ्लो में मिक्सिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आपका टर्बुलेंट फ्लो ऑफ फ्यूल वो बड़े ही अच्छे से एयर के साथ मिक्स हो जाएगा। तो जितना अच्छे हमें यही तो चाहिए, मिक्सिंग अच्छी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ जो एयर है फ्यूल इसका कंट्रोल चाहिए और मिक्सिंग चाहिए। तो टर्बुलेंट फ्लो है, जैसे उसने आपके पार्ट को लीव किया इस सिस्टम को, तो आपकी आपको जो है वो मिक्सिंग ज़्यादा अच्छी मिलेगी। लेमिनार फ्लो में आपको मिक्सिंग अच्छी नहीं मिलती, सही है। तो अब जो है वो थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं इस पार्ट पे। थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस पर आने से पहले मैं आपको नोजल का कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आपको नोजल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ से देखें, आमतौर पर हम पाइप्स का यूज़ करते हैं जो है वो, अगर उन पाइप्स को अगर आप बेंड करें तो आप देखेंगे जो फ्लूड जहाँ वो वाटर जो है आप उस पाइप से जब पास होगा तो एक हाई वेलोसिटी के साथ पास होगा, और अगर आप उसको लीव कर दें, बेंड मत करें, तो आप उसकी स्पीड ऑब्जर्व करेंगे कि आप उसकी वेलोसिटी क्या है और बेंड करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है। तो फ्लो जो है वो किस तरह से उसका फ्लो जो है वो क्या होगा, आपका आप बेंड करने से पहले आपका फ्लो कैसा था, उसकी वेलोसिटी कैसी थी, और बेंड करने के बाद उसकी वेलोसिटी और उसका फ्लो कैसा है। तो नोजल को देखें, आप इस तरह से समझ लें, देखिए नोजल को आप इस तरह से समझ लें, यह है आपका इनलेट डाया जहाँ से फ्यूल पास हो रहा है, जिसे D1 कह दिया। देखें इनलेट डाया देख रहे हैं ना कितना बड़ा है, और आउटलेट डाया देखें कितना स्मॉल है। तो जब आप आउटलेट डाया यानी आउटलेट किसी भी जहाँ से आपका फ्लूड जहाँ से आउट कर रहा है, लीक कर रहा है आपके सिस्टम को, अगर आप उसके डाया को एरिया को रिड्यूस कर देंगे तो आपको फ्लूड की वेलोसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी उसकी। देख रहे हैं ना कितना मिनिमम आपका यहाँ पर एरिया है एज कम्पेयर टू इनलेट एरिया। तो यही सीन यहाँ पर है कि आपका फ्यूल इन हुआ इनलेट डाया से जिसका एरिया काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू आउटलेट डाया। तो यहाँ से फ्यूल जब लीव करेगा तो उसकी वेलोसिटी V2 होगी, सही है, और यहाँ पर V1, और ये V2 आपकी वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर होगी आपकी V1 से। अब बात करेंगे कि आपका सिस्टम ओपन है या क्लोज्ड। देखिए क्लोज सिस्टम में आपका फ्लूड आपका मास आपके सिस्टम को लीव नहीं करता, सिस्टम के अंदर ही रहता है, सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता। तो ये ओपन सिस्टम है ना, क्लोज सिस्टम तो हो ही नहीं सकता, ओपन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि आपका फ्लूड पहले पास हुआ नोजल से,
देन पास हुआ इमर्जेंट ट्यूब से और इमर्जेंट ट्यूब को भी लीव कर दिया। इस मीन आपका सिस्टम ओपन सिस्टम है। अब मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ जिन्हें एक रेफरेंस ले लेता हूँ। ये यहाँ से रेफरेंस जो है वो मैं ले रहा हूँ, यहाँ से मैं एनर्जी इक्वेशन जो है वो अप्लाई करूंगा। ये मैंने कह दिया पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट जो है वो ए पॉइंट है मेरा, ए बी पॉइंट है। ए पर और बी के दरमियान जो है वो हम बात करेंगे। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वी टू होगी, यहाँ पर वी वन होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है बी पॉइंट तक की वो एच टू है और एच वन आपकी हाइट जीरो है। अब देखिए स्टेडी स्टेट इक्वेशन ही क्यों अप्लाई की, इसके कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं। वो रीजंस ये हैं कि आपका पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, इस पार्ट को अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इस पार्ट में हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके फ्लूड आपके पार्ट की हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है और आपका फ्लूड फ्यूल बहुत ईजीली आपके पार्ट को लीव करेगा और मिनिमम जो है ना वो टाइम में आपके आपका फ्लूड आपके पार्ट को लीव कर देगा और आपको इतना टाइम रिक्वायर्ड आप मिले आपके टाइम आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप जो है वो हीट ट्रांसफर पॉसिबल हो सके। तो हीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकती इतने मिनिमम टाइम में और इतने ज़्यादा छोटे पार्ट में, तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है, फ्लूड का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ होगा और पॉसिबल ही नहीं है कि आपको आपकी हीट ट्रांसफर हो सके, आपको इतना टाइम ही अवेलेबल नहीं होगा कि आपकी हीट ट्रांसफर हो सके। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्यों? बिकॉज आपके पास अवेलेबल टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है, आपकी हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। ये है मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनलेट पे, यहाँ से ए से जो फ्यूल जो है वो इन हो रहा है, सही है। यहाँ पर एंथैल्पी है H1, वेलोसिटी V1, यहाँ पर मैंने ले ली V1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये है काइनेटिक एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी। H1 मैंने आपको बताया ना जीरो है, रेफरेंस प्लेन मैंने यहाँ पर ले लिया तो आपकी H1 क्या है जीरो हो गया। वर्क आपको ऑप्टेन हो रहा है, आपके पार्ट से आपको कोई वर्क मिला नहीं तो ये भी जीरो हो गया। मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल एट द आउटलेट पार्ट, यहाँ पर आपके फ्लूड ने आपके पार्ट को लीव किया ना आउटलेट एरिया। अब हम टोटल सिस्टम की बात कर रहे हैं नोजल और इमर्जेंट ट्यूब को कंबाइन करके, सही है। आपका फ्यूल पहले नोजल में इन हुआ, नोजल के इनलेट पार्ट से फिर आउटलेट पार्ट से लीव किया, लेकिन अब हम कंबाइन पर बात कर रहे हैं कि अगर दोनों पार्ट असेंबल है, नोजल और इमर्जेंट ट्यूब असेंबल है, तो उसका एक ही इनलेट होगा और एक ही आउटलेट होगा, सही है। अब हम एक ही इनलेट और आउटलेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो नेट आउटलेट है, तो ये यहाँ पर जो मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल मिलेगा उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, वहाँ पर एंथैल्पी H2 होगी, वेलोसिटी V2, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ना V2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 GH2 हाइट, यहाँ से लेके रेफरेंस प्लेन से लेके यहाँ तक इस पर्टिकुलर बी तक पॉइंट बी तक आपको जो हाइट मिलेगी वो H2 होगी। तो जब आपको एक नेट रिजल्ट ऑप्टेन होगा वो कुछ इस तरह का, तो ये है आपका रिजल्ट उन फैक्टर्स को नेगलेक्ट करने के बाद ये कुछ रिजल्ट आपको ऑप्टेन होगा। जी जो है यहाँ पर ग्रेविटी है, सही है। अच्छा अगर लास्ट में मैं आपको प्रेशर से रिलेटेड बात करेंगे, प्रेशर डिफरेंशियल क्या होगा, तो पॉइंट ए पर अगर मैं प्रेशर की बात करूँ वो P1 है, PA है सॉरी, पॉइंट बी पे PB, तो प्रेशर का डिफरेंस लो अगर प्रेशर डिफरेंशियल अगर हम कैलकुलेट करें PB माइनस PA तो वो नेगलिजिबल है और बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने मैनोमीटर्स की स्टडी की, हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी की जहाँ से हम प्रेशर को जो है वो डिटरमाइन कर सकें, प्रेशर गेजेस की बात की, तो हम लोगों ने एक चीज़ जो है वो सीखी, एक कॉन्सेप्ट जो है वो टीचर्स ने हमें प्रोवाइड किया कि जब आप अपर प्रूफ करते हैं तो आपका प्रेशर ड्रॉप होता है, सही। इसका बहुत सारे रीजंस हैं जो कि अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। जब आप डाउनवर्ड मूव करते हैं तो आपका प्रेशर इंक्रीज होता है। सेम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मेरे फ्लूड यानी फ्यूल के पार्टिकल्स ने जो हाइट अटेन की वो H2 है, जब वो पॉइंट बी पे पहुंचे तो क्या उनका प्रेशर कुछ चेंज आया होगा, क्या डिक्रीज हुआ होगा क्योंकि अपवर्ड मूव कर रहे हैं? तो अगेन यही कहूंगा कि आपका पार्ट कितना ज़्यादा छोटा है पॉइंट ए यानी यहाँ से पॉइंट ए इस जगह पर पॉइंट बी या इस पर्टिकुलर हाइट में इतनी स्मॉल हाइट में आपके प्रेशर में कुछ चेंज नहीं आएगा और आपका प्रेशर ए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रेशर बी होगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा, तो ये होगा जीरो। और अगर जीरो नहीं होगा तो अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा और आप इस प्रेशर डिफरेंस को नेगलिजिबल है। और आखिरी के कुछ अगर पार्ट्स में बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करें तो मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल जो इनलेट है वही इक्वल होगा मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल आउटलेट के। देखें आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि आपके
फ्लो को, आपके एयर फ्यूल मिक्सचर को कंट्रोल किस तरह से करना है ड्यूरिंग आपके जो हाई एसिलेशन, हाई एसिलेटर में आपको आपके फ्लो क्या कैसा रिक्वायर्ड है, नॉर्मल एयर फ्यूल मिक्सचर कब रिक्वायर्ड है, तो आपकी बाइक बहुत ज़्यादा स्पीड में है तो उस वक्त जो आपको एयर फ्यूल मिक्सचर रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली रिच एयर फ्यूल मिक्सचर रिक्वायर्ड होगा, सही है, क्योंकि आपके पास जब आप एसिलेटर बहुत ज़्यादा दे रहे हो तो आपकी थ्रोटल स्लाइड वो अपवर्ड मूव करेगा ड्यू टू डायफ्रेगम स्प्रिंग, और आपके पास जो स्पेस अवेलेबल है इस वक्त एयर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है और आपकी एयर पास होगी, फ्यूल जो राइज हुआ ड्यू टू एयर की वेलोसिटी, ड्यू टू एयर प्रेशर, एयर प्रेशर ड्रॉप, तो वो मिक्स होगा एयर के साथ। तो जब आप हाई स्पीड से जा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपका जो एयर फ्यूल मिक्सर है वो हमेशा कंबशन के लिए यूज होगा, वो कूलिंग पर्पज के लिए भी यूज होता है, सही है। आपको ये वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हुए होंगे, आपको एक नई चीज जो है वो सीखने को मिली होगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड थे, फ्लूइड मैकेनिक्स से थे, और ये इस ऐसा पार्ट है जो कि आप जो है वो आपके पास अवेलेबल है, इसीलिए आप अपनी बाइक्स में चेक कर सकते हो, आप व्हीकल्स में। तो आई होप आपको जो भी लेक्चर दिया गया है वो आपको इजीली आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, अगर आप अभी तक क्लियर नहीं हुई तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेंचुरी पर। वेंचुरी पे एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, कंप्यूटर के पार्ट्स की डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, फोर स्ट्रोक टू स्ट्रोक इंजन की वीडियो लेकर आऊंगा, और सेकेंड ईयर के कोर्स स्टार्ट तो कर रहे हैं वो डिले हो गया कुछ रीजन्स की वजह से, तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे, आपस में हमारा हम लोगों का कॉन्टैक्ट रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक करना है, लाजमी शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई गई है। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।